दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे पबजी को लेके। और आज थोड़ी सी दोस्तों एक गुड न्यूज निकल के आई है, मतलब ऑल्दो इतनी ज्यादा गुड भी नहीं है, लेकिन लगता है कि दोस्तों कुछ तो नया होने वाला है। बिकॉज मैं आपको बता ही रहा था कि भैया मिनिस्ट्री ने अभी तक कोई जवाब दिया नहीं है पबजी कॉरपोरेशन को कि वो मीटिंग जो है वो कब करेंगे कैसे करेंगे। मतलब मिनिस्ट्री जो है वो अभी तक बिल्कुल एकदम इग्नोर कर रही है। और अभी तक दोस्तों अपडेट यही है कि मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जवाब नहीं मिला है पबजी कॉरपोरेशन को मीटिंग के बारे में कि भाई अब कब मीटिंग हो, कब गेम आए वापस, और दोस्तों क्या हो पर डिटेल्स। लेकिन अभी एक रिसेंट दोस्तों रिपोर्ट के हिसाब से पबजी कॉरपोरेशन जो है वो कुछ और प्लान कर रहा है, और शायद वो कोई दूसरा रास्ता दोस्तों ढूंढ रहा है कि कैसे, क्योंकि अगर मिनिस्ट्री जवाब नहीं देती है, और मतलब जवाब देती ही नहीं है मान लीजिए दोस्तों 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो ऐसे में जो प्रॉपर उन्होंने सब प्लानिंग की थी वो तो धरी की धरी रह जाएगी। तो फिलहाल के लिए अभी कुछ और दोस्तों रास्ता जो है वो ढूंढा जा रहा है, और ऐसे में कुछ और प्लानिंग चल रही है कि किस तरीके से जल्दी मैक्सिमम दोस्तों नए साल के अराउंड, मतलब और समझ लो 15-20-25 दिनों के अंदर अंदर कैसे सभी कामों को पूरा करते हुए गेम को लॉन्च किया जाए। अब दोस्तों हो सकता है इसके लिए नाम बदलना पड़े गेम का, या कुछ और तरीके से दोस्तों अप्रोच लगानी पड़े, लेकिन ऐसे में पबजी कॉरपोरेशन पूरी ये प्लानिंग कर रहा है कि मिनिस्ट्री अगर जवाब नहीं देती है तो उसके बावजूद भी क्या तरीके निकल सकते हैं इसी गेम को लॉन्च करने के इंडिया में। अब लेट्स सी कि ये दोस्तों क्या काम करते हैं। आ जाएगा ना तब होगा। मैं आपको जानना है पबजी क्यों लेट हो रहा है, बता मेरे को लड़को, आपको जानना है पबजी क्यों। मेरे को जो लगता है ऑनेस्ट ओपिनियन, पबजी क्यों नहीं आ पा रहे इतने जल्दी। मैं आपको मेरा रीज़न था, आप मेरे को बोलना कि आप उस चीज़ के हिसाब से आप हाँ बोलते ही नहीं। कल मैंने एक स्ट्रीमर को हार्डवेयर सुपरवाइजर भेजी, उसने रो दिया लिटरली। अरे अरे मानव, बहुत सारे स्ट्रीमर से जो हार्ड वर्किंग करते, मानव तो क्या बताऊँ। देखो बस सिंपल सा चीज़ है, देखो पबजी बैन हुआ, पबजी का बहुत सारे ऐप्स बैन हुए, पबजी ने सब टर्म्स क्लियर करके वापस कम बैक कर रहा है। हम लोग भी चाहते हैं, पर्सनली मैं बहुत चाहता हूँ कि पबजी आ जाए। बट अब एक बात सोचो, ऑब्वियसली हम लोग भी चाहते हैं पबजी आ जाना चाहिए, और पबजी आएगा। बट जिस तरीके से पबजी आ रहा है ना, वैसे जितने बाकी बैंड ऐप्स हैं वो सब आने की ट्राई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को टफ रहेगा ना कि यार मैं हम लोग एक ऐप को अलाउ करेंगे बाकी ऐप को क्या बेसिस पर ना बोले। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो उस चीज़ के लिए मतलब बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर ब्रो, गवर्नमेंटल और कंट्री के डिफेंस का चीज़ है, तो मतलब एक अलग ही चीज़ है वो, बहुत बड़े लेवल पे जो हमारे औकात के बाहर वाली चीज़ है। बस वही चीज़ है, वेट करो पबजी आ जाएगा वापस, तब तक चिल मारो बहुत गेम से, खेलो, एंजॉय करो, स्ट्रीम्स देखो, मूवी देखो, नेटफ्लिक्स रिलैक्स करो यार, आ जाएगा जब आना होगा। अभी से इतना हाइप बनाओगे गवर्नमेंट और ज़्यादा मेजर स्टेप्स लेगी, उससे अच्छा शांत रहो, मामला ठंडा होंगे। PUBG is ready to launch. PUBG launch होने के लिए रेडी है, सारी की सारी चीजें सेट है, पूरा सेट। बट अभी मेरे हिसाब से जो इशू आ रहा है वो गवर्नमेंट के साइड से आ रहा है, और ऑनेस्टली बोलूँ तो अभी ना चाइनीज इन्वॉल्वमेंट है गेम में। अभी आपको जैसे कि पता है कि इंडियन डायरेक्टर है, दो डायरेक्टर जो है उसमें एक इंडियन डायरेक्टर है और एक कोरिया का डायरेक्टर है, और कुछ ऐसी भी इन्फॉर्मेशन है जो अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो स्कॉर्प के लोग इंडिया में ऑफिस सेट करने के लिए भी आए हैं, और वो काम भी चालू है एट द सेम टाइम, बहुत सारी चीजें एक साथ चालू है। बट एग्जैक्ट डेट का अपडेट किसी के पास भी नहीं है, बस इतना ही है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी अपना पबजी कभी भी लॉन्च हो सकता है। और मेरे हिसाब से वो लोग इस बार कुछ अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो लोग फेसबुक पे वीडियो जो अपना ट्रेलर है, वो ट्रेलर ट्रेलर नहीं बोल सकते, एक पबजी डाउनलोड पबजी ऐप नाउ वाला जो ट्रेलर बनाया है, जो हम जॉनी ओपन कर रहा है स्कोप पे, डायनामो स्कोप पे क्रॉटन, और जो अपना एक्टर है वो लोग इधर आएंगे, नहीं ले सकता दिख मत, बट वो आपको जो पता ही है यार, पता नहीं 100% आएंगे वो लोग, उनका जो ट्रेलर है वो और गेम एक ही साथ लॉन्च होंगे।